Hi guys, in this tutorial we will learn about the what is the local version control system. Okay, so it is a system that record changes made to the file or set of the files over the time so that we can recall the specific version letter. Okay, so that is the every source code changes in the file, a new version will be क्रिएटेड. सो आप क्या कर सकते हो कि जो वर्जन का जो नेम होता है, जैसे इस तरह का JDK 1.0V, JDK 1.1V, JDK 1.2V, इसी तरह स्प्रिंग में होता है ना 1.x. तो इस तरह से वर्जन का टाइप हो, मतलब वर्जन कैसे लिखते हैं उस तरह का रहता है ना. तो टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है VCS, वो तीन तरह का होता है. पहला लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम. तो हम क्या करेंगे इस ट्यूटोरियल में, सिर्फ हम लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, है ना. उसके बाद होता है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है. अब लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, हम इसके डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे इसको. तो इट इज ए यूज टू मेंटेन द फाइल वर्जन एंड रिट्रीव द फाइल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रेफरेंस, है ना. ओके, तो लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई भी फाइल को आप, जैसे कोई फोटो वोटो को आप सेव करते हो ना, जैसे .png करके सेव, तो इसको मैं बताता हूँ. टू ओवरकम टू ड्रॉबैक द लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम टू हैव ए सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम. अब पहले क्या होता है लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, आप उसको एक डायग्राम के थ्रू समझ जाओ आप, है ना. तो ये होता है लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम. अब इसको समझना कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क है और आपने उसमें बहुत सारा पार्टीशन किया, जैसे इसमें 4 पार्टीशन किया गया है, ठीक है. ओके, जैसे सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, डी ड्राइव है, एफ ड्राइव है. और मान लीजिए आप कोई फाइल बनाते हो, जैसे कोई भी आप फाइल सेव करते हो, तो आपने फर्स्ट टाइम कहीं सी में सेव कर दिया, जैसे 1.0V करके फाइल, ई में सेव कर दिया ड्राइव ई में, है ना, फाइल 1.1V करके, अब डी में कर दिया, है ना, ई में कर दिया. तो आप को क्या होगा कि ये जैसे डेवलपर का मशीन, जैसे आप कोई भी अपने सिस्टम में काम करते हो तो कहीं भी कोई भी फाइल को रखते हो, है ना. तो क्या होता है कीपिंग द कोड, मतलब जो कोड को रखते हो फाइल, मतलब कोई फाइल को किसी भी, तो आपको उस, अगर मान लीजिए हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगा तो आप इसको रिट्रीव नहीं कर पाओगे. तो क्या क्या इशू हो सकता है ना. तो ये ड्रॉबैक है इसका. इट इज़ द ईजी टू forget in which drive you are in a accidentally write the data to the on file or copy from the other files. अगर मान लीजिए कोई data है आपने रखा हुआ है C में या E में, है ना, और मैंने बोला कि अब मुझे वो data दो, है ना, तो आप forget कर जाओगे कि हाँ मैंने कौन से drive में रखा हुआ था, है ना. तो सबसे पहले तो ये है कि आप तो भूल जाते हो कि कौन से ड्राइव में रखा हुआ. दूसरी बात क्या, इफ द हार्ड डिस्क इज ए करप्टेड, मैंने जो पहले बताया आपको, मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क ही करप्ट हो गया तो आप डाटा को कैसे रीस, है ना. अब जैसे कोई क्लाइंट है बोल रहा है कि अब मेरा कोई मैकेनिकल डैमेज हो गया आपके, है ना, सिस्टम में, तो आप कैसे निकाल पाओगे. तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया दूसरा, है ना. तीसरा, बाई मिस्टेक वी कैन डिलीट फ्यू फाइल ऑल्सो. मान लीजिए आपने कोई फाइल रिलीज की हुई है और आपसे वो डिलीट हो गई, है ना, और फिर वो क्लाइंट को चाहिए, तो फिर आपने उसका तो बैकअप रखा नहीं, है ना, तो आप किससे लेने जाओगे. तो इस तरह बहुत सारा इसमें ड्रॉबैक है. तो ये उतना काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं है, है ना. तो इस के आगे भी और है, एक सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो वो हम आगे के ट्यूटोरियल में करेंगे, ठीक है. तो ये बेसिकली क्या होता है, जब हम कोड लिखते हैं तो उसको हम कितना सेफली हम क्लाइंट के साथ डिलीवर कर पाते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में ये है ना. तो दिस इज ऑल अबाउट दैट. ओके, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम.